हाँ दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है एसएससी जीडी के लिए करंट अफेयर्स एंड साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। सो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक रहता है कैबिनेट मिनिस्टर। किस मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है ये आपको अपडेटेड याद होनी चाहिए। एंड यहाँ से मेरी तरफ से आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन, एक नहीं दो पूछने वाली हूँ। नंबर एक, रेल मंत्रालय किन्हें दिया गया है? एंड नंबर दो, युवा मामले और खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किन्हें दिया गया है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। देन सेकेंड टॉपिक रहता है स्पोर्ट्स। हाल ही में जितने भी खेल कूद प्रतियोगिता हुए हैं उनमें एक तो टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक एंड ग्रैंड स्लैम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनसे रिलेटेड प्लेयर्स, खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, ऐसा करके भी पूछा जाता है। सो चर्चित खिलाड़ी भी आपको पता होना चाहिए, आपको इन्हें कवर करना है। देन मेरी तरफ से यहाँ से एक क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला मेडल किसने जीता? आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है अवार्ड्स का, पुरस्कार। तो 2020 और 21 में जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं इन्हें अच्छे से आपको कवर करना होगा, जैसे कि ओस्कर पुरस्कार हुआ, मिस यूनिवर्स, फेमिना मिस इंडिया, और कलिंग रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण, ग्रैमी पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन, फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है मिलिट्री एक्सरसाइज। तो दो या दो से अधिक देशों के मध्य मिलिट्री एक्सरसाइज होती रहती है, स्पेशली भारत का किन देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज अभी हुई है 2020 और 21 में, ये दोनों अच्छे से कवर करनी होंगी। एंड यहाँ से क्वेश्चन, खंजर 2021 किन दो देशों के मध्य की गई मिलिट्री एक्सरसाइज है? ठीक है, आंसर करना है कॉमेंट बॉक्स में। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अपॉइंटमेंट्स एंड डेथ। जो भी चर्चित या सुर्खियों में रहे हैं उन पर हमें ज्यादा फोकस करना है। एंड नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उन्हें अच्छे से लर्न करना है। यहाँ से आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा योजनाएं। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार टाइम टू टाइम नई योजनाएं निकालते रहते हैं, लॉन्च करते रहते हैं। जो भी करंटली जस्ट अभी स्टार्ट हुई है या सुर्खियों में है उन पर हमें ज्यादा फोकस करना है, लाइक फगडबा योजना, मणिपुर एंड चैंपियंस अभियान दिल्ली, और आपको आंसर करना है मिशन हौसला किस राज्य पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। देन नेक्स्ट टॉपिक, सीएम एंड गवर्नर। वैसे तो सभी राज्यों के हमें पता होना चाहिए, लेकिन जो सुर्खियों में रहे हैं और जो जस्ट अभी बने हैं उन पर हमें ज्यादा फोकस करना है। और यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन, कर्नाटका के न्यू सीएम कौन है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इनके अलावा इंपॉर्टेंट डेज और बुक्स, ये मैंने आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक्स के साथ साथ भी बता दिए थे। एंड यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अब आ जाते हैं साइंस। साइंस में देखें तो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में तीन टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, एसआई यूनिट, वैज्ञानिक उपकरण और खोजे। एसआई यूनिट में आपको बताना है फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। देन आते हैं उपकरण। उपकरण में लाइक एमीटर, बैरोमीटर, फैदोमीटर, हाइग्रोमीटर, आपको बताना है पाइरोमीटर क्या काम आता है। देन आती है खोजे, लाइक लॉ ऑफ मोशन, रेडियम, एक्सरे, आपको बताना है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देन आते हैं, ये तीन टॉपिक आपको अच्छे से कर लेने हैं। इसके बाद कुछ बेसिक टॉपिक, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड एंड लाइट, इन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं बायोलॉजी पर। बायोलॉजी में दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, डिजीज वाला एंड न्यूट्रिएंट वाला, मानव रोग एंड पोषक पदार्थ। इसके बाद कुछ शाखाएं लाइक एपिकल्चर, सेरिकल्चर, ऐसा करके काफी शाखाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट बनती हैं, कई बार पूछी जा चुकी हैं। देन लास्ट होता है इन्हीं में हमारा मानव तंत्र, जिसमें कि ब्रेन, आई, ब्लड, ग्लैंड्स एंड स्केलेटल सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आ जाती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में दो ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करने हैं, बाकी आप करें या ना करें वो दो टॉपिक आपको जरूर से जरूर करने हैं, मेटल नॉन मेटल एंड अलॉय, धातु अधातु एंड मिश्र धातु। और इनके साथ साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कंप्लीट होते हैं। देखिए, साइंस, करंट एंड स्टैटिक, ये तीन सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, या हम कहें 25 में से 15 क्वेश्चन इन्हीं तीन सब्जेक्ट से देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइस, अच्छे से तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।